हे गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड कैप स्टॉक के बारे में देखिए दो ऐसे मिड कैप स्टॉक आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पर प्रमोटर्स की अच्छी खासी और पॉजिटिव हलचल देखने को मिल रही है अब जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वहां पर आप लोगों को पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है हालांकि देखिए ज़्यादातर मिड कैप स्टॉक पर हम फोकस नहीं करते लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छी खबर आ रही है तो आप लोग को बताना सही समझता हूँ तो देखिए सबसे पहले जो हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका ग्रुप काफ़ी अच्छा है गोदरेज इंडस्ट्री है हालांकि एक गोदरेज कंज्यूमर भी है जिसने काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो लगभग फोर रुपीज़ के आसपास हुआ करता था और वो लगभग एट या नाइन हंड्रेड के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा था या सेवन हंड्रेड के आसपास मतलब बोल सकते हैं वो स्टॉक ने गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया उसी का यहाँ मान सकते हैं कि सब्सिडरीज कंपनी एक तरीके का हम मान लीजिए क्योंकि वो वही ग्रुप का है तो यहाँ पर जो गोदरेज इंडस्ट्री है लिमिटेड ये भी बहुत छोटा स्टॉक था बहुत छोटा स्टॉक था लगभग थ्री रुपीस के आसपास था और धीरे धीरे ये स्टॉक ने लगभग काफी अच्छी जो सिक्स हंड्रेड के आसपास जाने की कोशिश की आप सोच लीजिए थ्री रुपीस का शेयर अगर सिक्स हंड्रेड बन जाता तो कितना बड़ा मुनाफा हुआ होगा भाई जिसने खरीदा होगा लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा लेकिन अभी स्टॉक थ्री लगभग फोर के आसपास चल रहा है और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने दो की हिस्सेदारी बढ़ा ली थी दो की हिस्सेदारी बढ़ा ली थी देखिए हालांकि जो गोदरेज है जो गोदरेज ग्रुप है ना इसके पास पाँच सब्सिडरीज कंपनी है पाँच और लगभग बहुत सारे तो ऐसी कंपनी जिसने अच्छा खासा मुनाफा भी दिया बहुत अच्छा अब यहाँ पर खुद ही देख लीजिए ये है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भाई अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 2019 सितंबर में लगभग 61 के आसपास था 61 के आसपास था अब उसके बाद देख लीजिए मार्च में कितना हो चुका था लगभग सिक्सटी हो चुका था कंटिन्यू इसने जो बढ़ाया भी था यहाँ अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी बहुत कंपनी ने यहाँ पर भी बढ़ाया था भाई दिसंबर में भी इसने बढ़ाया था थर्टी एट था यहाँ पर थर्टी नाइन कर दिया गया पॉइंट में पॉइंट में चेंज हुआ लेकिन चेंज हुआ था सिक्सटी वन पॉइंट थ्री एट सिक्सटी वन पॉइंट थ्री नाइन सिक्सटी टू पॉइंट टू वन अब वो क्या हुआ सिक्सटी टू से लगभग सिक्सटी फोर परसेंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया सिक्सटी फोर पॉइंट टू जीरो मतलब प्रमोटर्स ने कंटिन्यू यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है और कंपनी तो एक्सलेंट है भाई दो रुपये का शेयर अगर सिक्स हंड्रेड रुपीज पहुँच जाती है और उसके बाद अभी ये फोर हंड्रेड है तो सोच कितना अच्छा मुनाफा दे रही होगी कंपनी और लगभग दो क्वार्टर देखिए क्वार्टर रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स मंथ की हम बात करेंगे ठीक है मंथ मंथ में में वन क्वार्टर रिजल्ट आता तो में दो आ ही जाएगा तो लगभग यहाँ सिक्स मंथ का अगर हम डेटा देखना चाहेंगे तो सिक्स मंथ में स्टॉक कितने रेंज में चलता था तो लगभग टू हंड्रेड फोर्टी रुपीज के आसपास चलता था उससे भी नीचे गया था एक बार तो इसी के आसपास चलता था टू हंड्रेड के आसपास टू फिफ्टी के आसपास यही रेंज था और उसके बाद अभी स्टॉक कहां जा चुका है तो लगभग थ्री नाइन्टी फोर मतलब फोर हंड्रेड तो जा ही चुका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने जो फोर हंड्रेड को भी क्रॉस कर दिया ये स्टॉक ने लगभग फोर फिफ्टी तो चला ही जा चुका फोर सिक्सटी फाइव मतलब टू फिफ्टी का स्टॉक फोर फिफ्टी जा चुका मतलब आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हुआ भाई केवल दो क्वार्टर रिजल्ट की ही बात की जा रही है और वैसे भी अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट देखना चाहोगे ना तो गजब की है ये स्टॉक देखिए धीरे 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 आपने सुना होगा ना कछुए के चाल वो चलता धीरे धीरे है लेकिन भाई जब अच्छा खासा मुनाफा देता तो ये देखिए कितना धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जा रहा था स्मूथली और उसके बाद अच्छा खासा इसने जो है मुनाफा भी दिया लोगों को लेकिन अब ये स्टॉक दोबारा गिर चुका है तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है अब देख लीजिए ये कंपनी क्या काम नहीं करती है मैं आपको बताऊँ एनिमल फीड बनाती है केमिकल में है एग्रो फूड में है शायद फाइनेंस में भी है बहुत सारे काम करती है ये कंपनी तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए सही है और यहाँ नज़र भी रखना चाहिए और हालांकि देखिए मैं तो बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को न्यू इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता हूँ लेकिन फिर भी अगर हम मिड कैप की बात करें तो भाई बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर केवल आप लोगों को नुकसान ही देखने को मिलेगा आप बैंकिंग सेक्टर का लिस्ट निकाल के देख लो नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर पता नहीं परमोटर्स ने क्या देखा भाई दबोज की खरीदारी की है सबसे ज़्यादा और मिड कैप में अगर किसी स्टॉक में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है तो वो यही स्टॉक है वो भी लास्ट क्वार्टर की बात की जा रही है लास्ट क्वार्टर जब कोविड नाइन्टीन के बाद से मार्केट संभलना स्टार्ट हुआ था तो यूनियन बैंक में ही सबसे ज़्यादा पर मोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदी थी अगर लगभग हम यहाँ पर सिक्स मंथ के डेटा देखते हैं तो अभी भी स्टॉक का हालत सही नहीं है और पहले भी ये स्टॉक का हालत सही नहीं था अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो भाई लोगों को तो कई बार नुकसान दिया फोर हंड्रेड तक ये स्टॉक जा चुका था कई बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन उसके बाद केवल गिरावट गिरावटी गिरावटी देखने को मिला पता है देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में पता है नुकसान क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर स्कोप नहीं है पहली बात स्कोप नहीं है दूसरी बात बिजनेस को हम एक्स अप नहीं कर सकते तो जब भाई जब हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं होगा और तो हमें प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा है कि नहीं जब हमारा बिज़नेस ग्रो ही नहीं हो सकता हमारे इंडिया में मान लीजिए कि वन मान लीजिए कि टेन थाउजेंड लोग रहते हैं टेन थाउजेंड लोग रहते हैं ठीक है और यहाँ पर फाइव हंड्रेड बैंक ही है भाई अराउंड फाइव हंड्रेड बैंक ही है तो लोग कहाँ पैसा डालेंगे कहाँ पैसा डालेंगे बात सही है ना तो इसलिए कम से कम यहाँ पर बैंक को कम होना चाहिए था बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो फुटपाथ वाले बैंक हैं वहाँ पर कोई कुछ लोग तो पूछते भी नहीं है जहाँ के ए भी सही नहीं है बैंकिंग सिस्टम भी सही नहीं है दो लोग बैठे रहते हैं दोनों दो, दो लोग बैठे रहते हैं उसी को बोल देते हैं बैंक ऐसे भी बहुत सारे बैंक हैं अब मैं तो क्या ही बोलूँ ये जिस तरीके से हरकत कर रहा है लग तो रहा है कि ये जो ट्वेंटी फोर रुपीज़ का स्टॉक है कल को हंड्रेड रुपीज़ बन जाएगा कल ही को हंड्रेड रुपीज़ बन जाएगा ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर हम देखें भाई प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो 2017 की बात करें तो लगभग सिक्सटी फाइव परसेंट था फिर फिफ्टी फाइव हो चुका था फिर सिक्सटी सेवन मतलब बढ़ चुका था यहाँ बढ़ चुका फिर सिक्सटी सेवन फिर सिक्सटी सेवन था फिर सिक्सटी सेवन था फिर सेवेंटी फोर हो चुका था मतलब फिर यहाँ से यहाँ पर बढ़ चुका था फिर उसके बाद देख लीजिए सेवेंटी फोर से अगर हम बात करें इधर तो सेवेंटी फोर से फिर कहाँ बढ़ चुका था एटी सिक्स अभी एटी सिक्स ये क्या कम था सेबी के हिसाब से सेवेंटी फाइव परसेंट के हिसाब से जो इसने जो है सेवेंटी सिक्स से यहाँ देख यहाँ पर भी सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव था अभी यहाँ पर कितना कर लिया गया है अभी की बात की जा रही है तो एटी नाइन परसेंट कर लिया गया भाई नाइन्टी परसेंट भाई सारा तुम्हें खरीद के रख लो चलो मान लिए सब तुम्हें खरीद के रख लो प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है प्रॉफिट कहाँ मिला लोगों को अभी भी नुकसान हो रहा अब पता नहीं देखिए ये इस बैंक में क्या लगा मुझे तो पता नहीं चला मुझे लगता हंड्रेड परसेंट हिस्सेदारी भाई यही खरीद के रखेगा अब सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है हम गलत या सही नहीं बोल सकते फिर भी देखिए प्रमोटर्स यहाँ ही हिस्सेदारी बढ़ा रही है और मिड कैप में सबसे मिड कैप में सबसे दिग्गज कंपनी यही है जो अपनी हिस्सेदारी को बार बार बढ़ाते जा रही है बढ़ाते जा रही है बढ़ाते जा रही है लग तो ऐसा रही है कि ये ट्वेंटी फोर का स्टॉक आने वाले सौ या दो तो जल्दी टच कर देगा जल्दी टच कर देगा तो पता नहीं लेकिन हर क्वार्टर में यही वो बैंक है जो पूरे मिड कैप में पॉजिटिव हलचल करके दिखा रही है बाकी आप भी नजर रख सकते हो और आपको इसका जो देखिए बुक वैल्यू है ना ये एक पॉजिटिव है पॉजिटिव पता है क्यों शेयर का प्राइस तो नीचे गिरते जा रहा अब बुक वैल्यू है ही उतना तो वहां पर ही पहुंच जा रहा बात यही है तो मुझे ये दोनों में से अच्छा लगा गोदरेज वहां पर पैसा लगाओ भाई गोदरेज में पैसा लगाओ सही है बाकी ये जो बैंक है बढ़ाते जा रही है प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा तो रही है टू थाउजेंड से लेकिन अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा तो फिर भी मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करो दिक्कत की कोई बात नहीं है बाकी आप भी देख सकते हो, हो सकता है कि मैं गलत हूँ जरूरी नहीं है कि हंड्रेड किसी भी चीज़ में हर बार मैं सही हो जाऊँ गलती हो सकती है भाई कुछ भी गलती हो सकती है आप भी देख लो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल बुक में ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में देखिए अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट दिया जा रहा है सही है डीमेट अकाउंट के साथ साथ आप लोगों को नॉलेज भी मिल जाएगा वैसे भी एंजल जीरो जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है जहां पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है और यहां पर एक ग्रुप है ये एंजल का खुद का है जहां पर आपको बताया जाता है भाई क्या खरीदना है नहीं खरीदना है क्या बेचना है नहीं बेचना है इंटर डे फ्यूचर ऑप्शन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब आपको बताते हैं तो डीमेट अकाउंट फ्री में डिलीवरी चार्जेस फ्री में ग्रुप में ये लोग आपको ऐड करते हैं केवल ट्वेंटी रुपीज आपसे लिया जाता है वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगह लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो वो भी बहुत ही आराम से